हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आम करिकुलम यूनिट रु किसी क्वेश्चन को डिस्कस करवा। तो करिकुलम जहाँ भी यूनिट रे रही जी बुलेट्स गुड़ा तो थियोरी गुड़ा डिटेल्स डिस्कसन हो जाए। जो मैंने आपण मैंने देखी ना जाकि चैनल प्लेलीस्ट भितर जेटी स्पेशल पेडागोजी गोटे प्लेलीस्ट रही भितर आपरी गुड़ा पाइबे। तो थियोरी को आपने प्रथम देखी निपर आपश्चिन्स भी प्राक्टिस करेंगे। तो ये गोटे कथा कही रखी क्वेश्चन स्टार्ट करवा आगर, तो इंग्लिश मीडियम रे सीडीपी रो ई बुक अवेलेबल अच्छी। तो डिटेल्स सिलेबस जहाँ भी रही कैटेगरी वन और कैटेगरी टू पाई थियोरी सब यूनिट रो थियोरी सहित प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रे आपन मानको दिया जाय छी। तो जो मैंने आपन मैंने इंटरेस्टेड इंग्लिश मीडियम रे सीडीपी रो ई बुक नबा पाई आपन मैंने डिस्क्रिप्शन को जाकि देखिए आपन मैंने से व्हाट्सएप नंबर अच्छी से कंटाक्ट करें। तो सहित आम स्टार्ट करवा। तो प्रथम क्वेश्चन देखो, व्हाट इज करिकुलम डेवलपमेंट? कंटेंट डेवलपमेंट, चेंज इन पर्पस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, कंपैरिजन ऑफ कोर्स एंड स्टडी लिस्ट। तो ये चार्ट जगह भितर करिकुलम डेवलपमेंट रो कोटा होची अर्थ। तो ये देखो आंसर रहबो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएशन। गोटे स्टेप रे एडा होची हेतै करिकुलम को डेवलप करा जाय थाए, प्लानिंग तापर इम्प्लीमेंट करा जइबो, तापर ताको इवैल्यूएट भी करा जइबो। तो आकु ही हमें कहउछंती करिकुलम डेवलपमेंट। तो ये आंसर होची सी। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम? डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम विषय में डिस्कस करथिले, ता भीतर एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम भी गोटे थिला। तो ये क्वेश्चन पचारुची कि एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम रो एक्सपोनेंट किए? तो ये देखते जॉन ड्यू, पार्कर, फ्रोबेल, तापर अच्छी स्टीवेनसन। तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन ए, जॉन ड्यू। तो ये ए रहुचि करेक्ट। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज एसेंशियली ए फॉर्म ऑफ? तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो रहुचि एटा होची गोटे फॉर्म कहार? एटी होची ट्यूशन सेंट्रिक अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, ना सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच? तो ये देखो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन एटी रहबो बी, जोटा कि होची लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। कहीं आम एक्टिविटी वर्ड यूज कर प्रथम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, सो तेणु करके लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रहा। आपण मानकर करिकुलम भितर आपण मैंने देखिए सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, डिफरेंट एक्टिविटी को बेस करमी करा एक्सपीरियंस को केमी इंपोर्टेंस दि जाए एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम रे। ता भितर सब किछि डिस्कशन हो छोटमोट जहाँ भी सब रही पॉइंट्स ताको आपण मैंने देखने विभिन्न प्रकार जो कन्सेप्ट को बेस करके क्वेश्चन आसीबा सब इंटर रिलेट होके आसीबो। तो तेणु करके आपण माने ताको डिस्कस जहाँ भी हो पूर्व वीडियो रे ताको आपण माने देखने। तो ये आंसर हो जाऊँ ऑप्शन बी। तापर होची व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम? करिकुलम रा मेन ऑब्जेक्टिव कौन? फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, टू पास एनी एग्जामिनेशन, टू लर्न द कंटेंट, टू स्कोर मार्क्स, टू गेट मिनिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जोटा कि हूँ ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। करिकुलम इन स्कूल रो अर्थ कौन? मीन्स ऑल द एजुकेटिव एक्सपीरियंसेस अंडर द स्कूल्स जुरिस्डिक्शन, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड बाय द स्कूल, ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लास, ऑल द एकेडमिक वर्क्स अंडरटेकन इन स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। तो ये जोटा कि करिकुलम कहूँ स्कूल तार अर्थ कौन बोली पचारूँ। तो करेक्ट आंसर ये रहा ए, जोटा कि हूँ ऑल द एजुकेटिव एक्सपीरियंसेस अंडर द स्कूल जुरिस्डिक्शन। तो ये तले जो डी रे कि ऑल द एकेडमिक वर्क्स से कहीदे केवल एकेडमिक्स को रिलेट करनी करिकुलम, बिकॉज़ जहाँ अन्य एकेडमिक्स को छाड़ी अन्य जहाँ भी रोचे सेगुड़ा भी बुझौती आउ सब्जेक्ट्स केवल भी जहाँ स्कूल अफर होता भी नुहे। ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लास केवल ये लिमिट करदे क्लास भितर जी से भी नुहे। तो सबूक एक्सपीरियंस ओवरऑल जहाँ भी एक्सपीरियंस से आम कौन करिकुलम। तो ये रोचे करेक्ट। Which of the following factor does not contribute to effective and meaningful learning for students? Child-centered pedagogy. Next achi universal design for learning, standardized curriculum, constructivist approach of teaching. To ethi correct answer rahibo C, standardized curriculum. To se kahuchi kota does not contribute to effective and meaningful learning for students.
तो आमर जहाँ भी आपण मैंने देखुं करिकुलम है लर्निंग है यू किसी इच अदर सहित चैप्टर गुड़ा रिलेटेड तेणु बेस करके क्वेश्चन रोचे तो इफेक्टिव आउ मीनिंगफुल लर्निंग कौटा कौ फैक्टरटा कंट्रीब्यूट करूनी पचारूँ तो ये आंसर हम स्टैंडर्डाइज करिकुलम जब आम कह इफेक्टिव आउ मीनिंगफुल हो पारे कौन पर ना स्टैंडर्डाइज करिकुलम टा किसी स्पेसीफिक पर्पज पर एक्सपोर्ट मान द्वारा या जोटा कि किसी मात्र बेनिफिट्स कर किसी पिलांर तो तेणुकर समस्त ओवरऑल बेनिफिट और इफेक्टिव मीनिंगफुल आम कहीपर ना तो फैक्टर हेनी तो तेणुकर सी रोच करेक्ट द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम सुड बी मैथमेटिक्स गोटे ये सब्जेक्ट को कन्सीडर कर क्वेश्चन अच्छी ट्रेडिशनल रिग्रेसिव ब्रॉड नैरो स्कोपटा कौन रहा करिकुलम ब्रॉड सब्ड हम तो तेणुकर देखो जहाँ भी जो भी सब्जेक्ट दौना कहीं मैथमेटिक्स जगार तो करिकुलम सुड बी मन रखे ब्रॉड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन करिकुलम क्लासरूम एनवायरमेंट लर्नर ना टीचिंग टेक्नोलॉजी तो ये करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन एटी आमर सी देखु लर्नर बिकज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिते बार कहीदे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भितर तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भितर आम जहाँ भी रोचे ता भितर आमर मेन किए ना मुख्य क्या धर कंपोनेंट भाव कनसीडर करा लर्नर बिकज लर्नर रीड को लेकिन करिकुलम हो तो तेणुकर बिफोर करिकुलम आमर इम्पोर्टेंट प्रथम लर्नर तो जिते बड़े लर्नर हूँ टीचर हूँ लर्निंग एनवायरमेंट करिकुलम जहाँ भी हो सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रे ना लर्नर तो तेणुकर सी रोचे करेक्ट Which of the below is a true statement? Syllabus has many activities as compared to the curriculum. Curriculum is a broad term and syllabus is a part of curriculum. Syllabus has a wider scope than curriculum. Curriculum and syllabus are equivalent components of education. तो कौटा करेक्ट बोली पचारूँ भल भाव ऑप्शन गुड़ाक आपने एगेन पढ़ी आंसर करेंगे तो ये करेक्ट आंसर कही रखुच्छी जो मैंने चूज करी देखो करिकुलम गोटे ब्रॉड टर्म आउ सिलेबस होची तार गोटे पार्ट ओनली तो तेणु करी बी रोच करेक्ट जोड़ा कि आम थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर सारी द कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल इन द स्कूल सिस्टम इज नोन एज कोर्स आउटलाइन सिलेबस प्रोडक्ट करिकुलम कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल इन स्कूल सिस्टम जहाँ पढ़ा जा जोड़ा कि मटेरियल ताकू हमें कौन कौन तो ये हूँ आम मेन हूँ ये कौन ना कंप्लीट सेट ऑफ टॉट मटेरियल इन द स्कूल सिस्टम ताकू हमें कौन करिकुलम तो डी रोच करेक्ट एरिया ऑफ करिकुलम इनक्लूड्स इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ ए स्कूल एक्सटर्नल एक्टिविटीज ऑफ स्कूल बोथ ऑफ देम नॉन तो ये करेक्ट आंसर रहा आमर उभय बोथ ऑफ देम इंटरनल भी रहबो एक्टिविटीज एक्सटर्नल भी रहबो एक्टिविटीज सो सी रहउचे करेक्ट व्हिच टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द टोटालिटी ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट द पीपल रिसीव्स थ्रू मैनिफोल्ड एक्टिविटीज इन द स्कूल तो कौ टर्म टा आमर एक्सप्रेस करबो टोटालिटी ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस जोडा की पीपल रिसीव करूचे थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज जोडा की करा जाउचे स्कूल ले तो एठी टर्म ता पई कोटा यूज करा जइबो तो करेक्ट आंसर होउचे करिकुलम तो ए रहुची करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू करिकुलम डिजाइनिंग एज पर द डिफरेंशिएशन प्रिंसिपल तो ये देखो इट फोकसेस ऑन लर्निंग आउटकम्स इट वैल्यूज ऑल चिल्ड्रेन एज इंडिविजुअल्स एवरी स्टूडेंट लर्न्स द सेम कंटेंट इन एक्जैक्टली द सेम वे एंड इन एक्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ आवर्स नेक्स्ट कौच इट प्रमोट्स टीचिंग प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग तो ये कौटा करेक्ट आंसर नॉट करेक्ट आमर दे तो तेणु करके देखो आंसर रहा सी तो एवरी जो से कहते स्टूडेंट लर्न करती सेम कंटेंट एक्जाक्टली सेम वे एक्जाक्टली सेम नंबर ऑफ आवर्स बिकज आम कहते कि पिला भितर इंडिविजुअलिटी रोचे डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेन्स प्रिंसिपल रोचे तो तेणु करके सब किसी सेम के हमनी तो तेणु करके यहाँ हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आम करेक्ट आंसर एटा करेक्ट नुहे नेक्स्ट The word curriculum is derived from कौ लांगुएज जर्मन डच लाटिन और फ्रेंच तो ये करेक्ट आंसर देखो आंसर हूँ सी लाटिन लांगुएज रु आस तो आम थ्योरी डिस्कस अलरेडी करौ लाटिन लांगुएज रु करिकुलम वर्ड डिराइव हो सहीटा कौ वर्ड मत आप कमेंट सेक्शन में जब भिड देखुं कमेंट सेक्शन में मत से आंसर
आपण माने कहिबे से लैटिन वर्डटा कोण तो सेइटा होचे आपण मानको पई क्वेश्चन तो सी रहउचे एठे करेक्ट करिकुलम मीन्स ऑल द एक्सपीरियंसेस व्हिच स्टूडेंट्स गेट इन स्कूल स्टूडेंट्स दैट आर ट्रांसपोर्ट बाय फैकल्टी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स क्लास एक्सपीरियंसेस स्पोर्ट्स एंड गेम्स करिकुलम रो अर्थ होची कोण ना एठे होची ऑल द एक्सपीरियंसेस व्हिच स्टूडेंट्स गेट इन द स्कूल तो एठे ए रहउचे करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट करिकुलम डेवलपमेंट पई कोटा गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल हबनी कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड एनश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड्स मेकिंग एग्जामिनेशन इजियर तापर रहुची एनश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स तो एठी टेक्स्ट बुक्स बाहर को जमती जीवो ता सहित होउची रोट लर्निंग रु जोडा के शिफ्ट करबो कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज को आउटसाइड वर्ल्ड रे कनेक्ट करबो ए सब तो ठीक अछि बट सी जो कहिछि कि एग्जामिनेशन को इजियर करबो तो एटा गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल हबनी सो सी रहउछि करेक्ट द कांसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एक्सक्लूड्स करिकुलम डेवलपमेंट रो कांसेप्ट कोडा को एक्सक्लूड करूछि इंटरनेशनल कंसीडरेशंस फैमिली एस्पिरेशंस तापरे सोसाइटी गोल्स नेशनल गोल्स कोटा को एक्सक्लूड करूछि यदि हमें देखिबा तो करेक्ट आंसर रहउछि ए इंटरनेशनल कंसीडरेशंस बिकॉज बाकी सब गुड़ा को से कंसीडर करिबो फैमिली रो कोण रहिछि आकांक्षा जहां भी ताकू भी से कंसीडर करिबो सोसाइटी रो गोल्स और नेशनल गोल्स ए सब को से कंसीडर करिबो बा इंक्लूड करिबो बट एक्सक्लूड करिबो इंटरनेशनल कंसीडरेशंस को तो एठी ए रहुछि करेक्ट व्हाट इज करिकुलम तो सेही करिकुलम को बेस करी क्वेश्चंस करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोर्स ऑब्जेक्टिव्स मेथड्स इवैल्यूएशन कंटेंट ऑब्जेक्टिव कोर्स प्रोग्राम एक्सपीरियंस एक्टिविटीज रिलेशनशिप्स स्किल्स एंड बिहेवियर्स तापर स्कूल सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस एक्टिविटीज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स तो कोडा रहबो करिकुलम को बुझौछि तो एठी आंसर होउछि सी करिकुलम भितरे सबु किछि इंक्लूड होउछि तो तेनु करी कि सी रहउछि करेक्ट What are the determinants of the curriculum? Objectives, methodology, evaluation, basic needs, social aspects, cultural factors, structure, development, implementation to make any needed props. तो एठी देखन तो करेक्ट आंसर रहबो कोन बी तो एठी हमरो determinants पचरुची तो बेसिक नीड रहबो सोशल एस्पेक्ट को कंसीडर करा जइबो कल्चरल फैक्टर्स को भी कंसीडर करा जइबो तो तण करी कि बी रहुची करेक्ट डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन इज बेसिकली डिसिप्लिन बेस्ड जो मॉडलटा एटा होची इज बेसिकली को सेंटर्ड पचरुची लर्नर टीचर सब्जेक्ट ना सोशल रिकंस्ट्रक्शन सेंटर तो एठी करेक्ट आंसर रहउची सब्जेक्ट सेंटर्ड तो सब्जेक्ट सेंटर्ड रो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहिची ता भीतर एठी आपण माने डिस्कशन बेले देखि परबे डिसिप्लिन बेस्ड एटा रहइबो तो तण करे कि सी रहउची करेक्ट कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज टीचिंग स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव्स इवैल्यूएशन ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर रहबो एठी डी बिकॉज़ ए सब गुडा को ता भीतर रहबो सो आंसर होची डी द आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज सिलेबस प्रोग्राम कोर्स ऑल ऑफ दिस आउटलाइन कंटेंट रो आउटलाइन को हमें कोन कहितांती तो आंसर होची सिलेबस तो ए रहूची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि करिकुलम इज इंटरप्रिटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेस एक्टिविटीज एक्सपीरियंसेस व्हिच स्टूडेंट्स हैव अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द स्कूल वेदर इन द क्लासरूम और नॉट इज सेड बाय जॉन ड्यू स्टीफन रोमिने एच रग हिल्डा ताबा तो ये करेक्ट आंसर रहबो डी तो एटा होचो डेफिनेशन को बेस करी आमर क्वेश्चन पढ़ुचे आप करिकुलम रो बहुत सारा डेफिनेशंस मन रखिबे कलेक्ट करी आमर थ्योरी रे भी आपण माने पाई जिबे ई बुक भीतर भी आपण पाई जिबे तो एठी देखंतु की वर्ड्स को बेस करी आपण माने मन रखिबे एठी तो डी रहुची करेक्ट बिकॉज़ करिकुलम टॉपिक रु केवल पढ़िबनी जो डेफिनेशन अन्य टॉपिक्स रु भी पढ़िबो तो तण करी की वर्ड्स को बेस करी ताको मन रखिबे करिकुलम रिफ्लेक्ट करुची द कल्चर ऑफ स्कूल होम एरिया सोसाइटी तो करिकुलम रिफ्लेक्ट करुची कल्चर ऑफ सोसाइटी सो डी रहुची करेक्ट करिकुलम इज सपोज्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल अचीव द ऑब्जेक्टिव बोथ ए एंड बी तापरे नॉन ऑफ द अबव तो एठी करेक्ट आंसर होची सी बिकॉज़ उभय ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल आउ अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करबो आउ ऑर्गेनाइज हबो बाय स्कूल सो एठी सी रहुची करेक्ट
द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक ए प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज नॉन ऑफ द एबव तो ये करेक्ट आंसर कौन रहा है करेक्ट आंसर होची सी प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज ठीक है केवल पिला सर्विस प्रिपेयर करवा कॉन्स्टिट्यूशन एगुड़ा किसी नुहे नॉन भी नुहे मेन हूँ करिकुलम टा हूँ स्टुड बी आम जहाँ लेटेस्ट चली बेस कर दरकार करेंट जहाँ चलती नुआ नॉलेज पिला दबा दरकार प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज तो ये सी रोचे करेक्ट से ही बेस करिकुलम टा हवा दरकार से अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर प्रिपेरेशन फॉर सर्विस पर्सनल सैटिस्फैक्शन नॉन ऑफ द एबव तो करेक्ट आंसर रही ऑप्शन ए जोटा कि चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर तो ए रही करेक्ट करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास इज तो यहाँ मन रखे आंसर हम होराइजन्टल करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा कि यूज करा जाए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पाई जिते बड़े करिकुलम को ऑर्गेनाइज करा जाए तो इज केमी ऑर्गेनाइज करा जिवो ना होराइजन्टल ऑर्गेनाइजेशन रहिबो तो मन रखे ए रहुची करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ ए सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड प्रोग्राम सिलेबस करिकुलम ना कोर्स तो आंसर होची बी सिलेबस नेक्स्ट करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय तो यहाँ स्टेटेड बाय हुम तो ये देखते करेक्ट आंसर डी स्मिथ स्मिथ करेक्ट आंसर करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल स्टेटेड बाय स्मिथ तो डी रोचे ये करेक्ट आंसर एतिक ये 30 क्वेश्चन्स थिला आम ये डिस्कस कले आहुरी क्वेश्चन्स रही जोगुड़ा आम भिएसटी डिस्कस करवा अदर टॉपिक्स रु भी क्वेश्चन आम कि डिस्कस करापर आम भिएसटी को डिस्कस करवा आशा करुच्छी भिडियो आपाई हेल्पफुल रही है भिडियो पसंद आसो को लाइक करेंगे एंड सेयार निहत भाव में करेंगे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।